वेलकम बैक टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों आज एक और आपके लिए डिटेल वॉक अराउंड वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि मारुति सुजुकी की अर्टिगा का सेकंड टॉप यानी कि ZXi वेरिएंट का होने वाला है। और ये जो कलर आपके सामने अवेलेबल है ये इसका मैग्मा ग्रे कलर है। इसके अलावा इस कार के अंदर आपको 4 अदर कलर्स भी मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस वेरिएंट के अंदर आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं, क्या इसका स्पेसिफिकेशन रहता है और किस प्राइस में आपको ये मिल सकती है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये है अर्टिगा का ZXi वेरिएंट, टॉप से एक नीचे आता है। आज इसकी बात करेंगे कि आपको इसमें कौन कौन से फीचर दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये इसका मैग्मा ग्रे कलर है। इसके अलावा इसमें आपको 4 अदर कलर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आपको काफ़ी वाइडर सी जो है वो फ्रंट जो अपनी विंड स्क्रीन है वो मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको 2 वाइपर्स प्लेसमेंट किए गए हैं। बोनट की बात करें तो यहाँ पे आपको एरोडायनेमिक शेप के अंदर बोनट देखने को मिल जाता है। कुछ यहाँ पे आपको अच्छी खासी एरोडायनेमिक की शेप भी मिल जाती है। उसके नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो प्रोजेक्टर टाइप, यहाँ पे आप देखें तो ये आपको ये प्रोजेक्टर टाइप हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको फ्रंट इंडिकेटर भी जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो क्रोम फिनिश के अंदर जो है फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिसके बीच में यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो भी मिल जाता है। साथ ही बॉडी कलर का यहाँ पे आपको बम्पर दिया गया है, कुछ तरीके का इसका लुक आता है। और फ्रंट में आपको हेलोजन टाइप के फ्रंट फॉग लैंप्स भी दिए जाते हैं, जिसके ऊपर आपको ये ब्लैक कलर की गार्निश यहाँ पर मिलती है। और फ्रंट ग्रिल से आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर लुक देखने को मिल जाता है। तो कुछ तरीके का आपको यहाँ पर कंप्लीट फ्रंट लुक देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसके साइड में और बात करते हैं वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके व्हील से। तो यहाँ पे आपको मल्टी स्पोक जो है वो ग्रेश फिनिश के अंदर जो है एलॉय व्हील्स मिलते हैं। और अगर बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 185/65R15 यानी कि 15 इंच के आपको एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो कि ब्रिज स्टोन के टायर्स के साथ आपको मिलते हैं। साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको साइड ओआरवीएम्स जो हैं वो यहाँ पे बॉडी लगे दिए जाते हैं, जिसके ऊपर आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स भी प्लेस मिलते हैं। और ये मिरर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल टाइप के दिए गए हैं। और बात करते हैं इसके रूफ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको रूफ एंटीना जो मिल जाता है कुछ तरीके का लगता है, और रूफ आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है। नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर डी पिलर जो है वो ब्लैक आउट मिलता है, साथ ही बेल्ट लाइन जो है वो आपको यहाँ पे ब्लैक मिल जाती है। और डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको ZXi वेरिएंट से जो डोर हैंडल्स हैं इसके वो आपको क्रोम फिनिश के अंदर मिलते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट बटन भी दिया गया है। तो रियर में आप देखें तो कुछ तरीके का यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स दिया गया है। और साइड से आपको कंप्लीट प्रोफाइल इस तरीके का मिलता है, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर एरोडायनेमिक शेप्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, वो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फीचर मिलते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो आपको फ्यूल फिलिंग का यहाँ पे दिया गया, इसमें आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। रियर से आपको कुछ तरीके का इसका प्रोफाइल मिलता है, जहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेट टाइप रूफ स्पॉइलर दिया गया है, जहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है। रियर वॉशर की प्लेसमेंट आपको यहाँ दी गई है। और रियर विंड स्क्रीन अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके की मिलती है, जिसके ऊपर आपको रियर डिफॉगर की जो है वो प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको इसका रियर वाइपर भी प्लेस किया गया है। और नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको जो है सुजुकी का लोगो मिलता है। और ये आप देखें तो यहाँ पे आपको एक क्रोम गार्निश मिलती है, जो कि टेल गेट गार्निश है, वो भी क्रोम इंसर्ट में आपको दी गई है। और यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे आपको इस साइड में अर्टिगा का लोगो मिल जाता है, और इस साइड में आपको स्मार्ट हाइब्रिड का लोगो दिया गया है, SHVS का जो आपको लोगो है वो मिल जाता है। इसके अलावा अगर टेलेम्स की बात करें तो इस वेरिएंट के अंदर आपको 3-डायमेंशनल टाइप के जो है वो टेलेम्स मिलते हैं, कुछ तरीके के यहाँ पे आपको 3-डायमेंशनल शेप में ये टेलेम्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि इस टाइप के आपको मिलते हैं। रियर बम्पर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी लगे रियर बम्पर दिया गया है, जिसके ऊपर आपको जो है यहाँ अगर आप देखें तो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही रियर रिफ्लेक्टर आपको कुछ इस तरीके का जो है वो रियर से मिलता है। तो एक नज़र आपको दिखाते हैं इसका बूट और किस तरीके का आपको यहाँ पे बूट मिलता है। बूट एक्सेस करने के सिंपली यहाँ पे आपको एक क्लिप मिलती है, उसको आप प्रेस करिए तो बूट जो है ये रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इतना आपको बूट स्पेस मिल जाए। तो अभी किसी सीट को फोल्ड वगैरह नहीं किया है तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है इतना बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको स्प्लिट लगेज का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपको स्प्लिट लगेज कुछ तरीके के दो बोर्ड मिल जाते हैं, जो कि स्प्लिट टाइप के हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लैपटॉप वगैरह भी कैरी कर सकते हैं, जो कि सेफ रहेंगे। इसके अलावा अगर स्टेपनी वगैरह की पोजीशन देखें तो यहाँ पे आपको सारी स्टेपनी वगैरह के जो टूल वगैरह के जो सिस्टम है सब कुछ यहाँ पे आपको प्लेस मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस सीट्स को भी आप जो है वो फोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि ये सीट इस टाइम पे आपको नॉर्मल टाइप की, अगर आप चाहो तो इस तरीके से आप इस सीट को जो है रिक्लाइन कर सकते हो, तो ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा थर्ड रो के पैसेंजर के लिए। और अगर आप चाहते हो तो और ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए तो उसके लिए आपको सिंपली इसको जो है कुछ इस तरीके से आपको करना है, तो ये जो सीट है वो फोल्ड हो जाएगी। आप इसी तरीके से दोनों सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 50-50 स्पीड डाउन का फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है।
और अगर आप देखें तो यहाँ पर थर्ड रो की ही बात कर लूँ मैं, तो थर्ड रो के अंदर यहाँ पे आपको दोनों से तरफ जो है वो ग्लास होल्डर मिल जाता है, कप होल्डर मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पर एक्सेसरी सॉकेट जो कि थर्ड रो में भी आपको दिया गया है वो मिल जाता है। और इसके अलावा आपको दोनों ही साइडों में जो है वो ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे थर्ड जो अपनी थर्ड रो है उसके अंदर भी आपको कुछ इस तरीके का विंडो यहाँ पर मिल जाता है जो कि पैक टाइप का है। चलते हैं आप सेकंड रो में और देखते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर दिए गए हैं। दोस्तों अंदर जाने से पहले इसकी एक बार की दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दो जो है वो रिमोट कीज दी जाती हैं, कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपको रिमोट की मिलती है। पीछे की तरफ आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है ब्लू कलर के अंदर। तो रिमोट की के ऊपर आप जो है वो लॉक और अनलॉक का आपको यहाँ पर एक बटन भी दिया गया है। तो सेकंड रो में एक्सेस करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखें तो रियर डोर का लुक आपको कुछ तरीके का मिलता है। कम्प्लीटली आपको यहाँ पर बेज कलर दिया गया है। तो शुरुआत इसी से करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है चाइल्ड लॉक का फंक्शन दिया गया है, जिसको आप जो है वो ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। किस इस तरीके से आपको यहाँ पे स्विच मिल जाता है। और बात करता हूँ इसके डोर हैंडल्स की, तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के अंदर जो है वो इनसाइड डोर हैंडल दिया गया है। साथ ही आर्मरेस्ट जो आपको डोर आर्मरेस्ट वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। कंप्लीट प्लास्टिक मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक पावर विंडो का कंट्रोल भी दिया गया है। बॉटल होल्डर मिलती है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस जो है वो मिल जाता है। अब चलते हैं इसकी सीट्स पर। तो रियर की जो सीट है यानी कि सेकंड रो की जो सीट है वो कुछ इस तरीके की आपको कंप्लीट जो है वो बेज कलर में ही दी गई है। और अगर आप यहाँ देखें तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर फैब्रिक जो है देखने को मिल जाता है। साथ ही ये सीट भी आपको जो है वो 60:40 स्पीड डाउन फंक्शन के साथ दी गई है। बीच में यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि नॉर्मल टाइप का आपको दिया गया है। इसके ऊपर आपको कप होल्डर वगैरह नहीं मिलते हैं। बैठते हैं इसकी सीट पर और आपको दिखाते हैं इसके अदर फीचर्स। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर में एक्सेसरी सॉकेट दिया गया है, जिसके नीचे आप देखें तो यहाँ पे आपको फोन स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। और ऊपर की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है रियर एसी वेंट भी मिल जाता है। ये सेकंड रो का एसी वेंट है, चार क्वार्टर में मिलता है। चारों आप अलग अलग दिशा में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लो भी चाहें तो उसका भी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। और दोनों ही साइडों में आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं। साथ ही अब बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो सीट है वो आपको 60:40 तो डाउन मिलती है। और ये जो है ये इसको भी आप जो है वो रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं, यानी कि आपको फोर वे एडजस्टेबल दी गई है। आपको थर्ड रो के एक्सेस के लिए सिंपली यहाँ पे आना है और इसको आप डाउन करिए इस तरीके से और आप बैठ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर जो है इतना स्पेस मिल जाएगा थर्ड रो के लिए। और इसको मैं दोबारा से अप कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्पेस जो है वो मिल जाता है आपको थर्ड रो के अंदर एक्सेस करने के लिए। इसी तरीके से आप इस सीट के साथ भी कर सकते हो। इस सीट को भी इसी तरीके से आप आगे की तरफ फॉरवर्ड कर सकते हो। रिटर्न करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसको दोबारा से आप पुल कीजिए। पहले आप इसको स्लाइड कीजिए और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं सिंपली। बहुत ही इजीली आप इसको ऑपरेट भी किया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको व्यू आता है। चलते हैं आप फर्स्ट रो में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। दोस्तों ड्राइवर साइड डोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं। तो ये ड्राइवर साइड डोर आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, जहाँ पे आपको जो है डुअल कॉम्बिनेशन मिलता है, यानी कि बेज कलर को ड्राइवर साइड डोर तो मिलता ही है उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे आपको एक वुडन का फिनिश भी देखने को मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये प्यारा लगता है, गाड़ी को प्रीमियम भी बनाता है। इंटीरियर में भी ये वुडन का फिनिश जो है वो कंटिन्यू रहता है कुछ इस तरीके का। तो लेकिन पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर के फीचर्स की। तो यहाँ को जो है टूटर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, ये दोनों ही साइडों में आपको मिलता है। तो इस कार के अंदर अगर बात करें तो आपको 4 स्पीकर्स और 2 टूटर्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको वुडन फिनिश दिया गया है। उसके नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल जो है वो क्रोम फिनिश में मिलता है। साथ ही आपको जो ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट डोर आर्मरेस्ट वो कुछ इस तरीके का दिया गया है, जहाँ पे आपको सारे अपने मिरर्स के कंट्रोल मिलते हैं, विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं। और यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट में थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस भी दिया गया है। नीचे की तरफ आते हैं तो 1 लीटर बोटल होल्डर आपको मिलता है। साथ ही कुछ यूटिलिटी स्पेस भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको डोर्स में कुछ इस तरीके से मिल जाती है। बात करते हैं अदर फीचर्स की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है एसी का वेंट कुछ इस तरीके का मिलता है। नीचे भी आपको वुडन का फिनिश मिलता है कुछ इस तरीके का, आप वुडन फिनिश यहाँ पर देख सकते हैं। अभी उधर पे आपको कंप्लीट इसके बारे में डिटेल दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है अपना। यहाँ पे हेडलाइट लैंपिंग का स्विच मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन का यहाँ पे ऑन और ऑफ का भी आपको स्विच यहाँ पर दिया गया है। और नीचे देखें तो यहाँ पे आपको हुड ओपनिंग के लिए यहाँ पे एक लीवर मिल जाता है। साथ ही एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच के आपको पैडल्स यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। बात कर लेते हैं इसके ड्राइवर साइड सीट की। तो ड्राइवर साइड सीट जो है वो आपको 6 पे एडजस्टेबल मिलती है, जहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो है वो भी आपको एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। हेडरेस्ट आपको जो है वो फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो यानी कि तीनों रोज में जो है एडजस्टेबल टाइप के ही दिए जाते हैं। तो कुछ तरीके की यहाँ पे आपको फैब्रिक की अपोर्शन देखने को मिल जाती है। एक मिनट आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपको मिलता है लीवर इसको इंक्लाइन डिक्लाइन करने के लिए, हाइट अप एंड डाउन के लिए आपको यहाँ पर लीवर दिया गया है। और साथ ही फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर एक लीवर मिल जाता है। साथ ही को ड्राइवर सीट आपको 4 वे एडजस्टेबल दी गई है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। काफ़ी सिंपल सा आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। नीचे देखें तो यहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। और इस तरीके की फिनिश की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है
वो सर्टिन क्रोम के यहाँ पे फिनिश देखने को आपको मिल जाएगी। साथ ही स्टीयरिंग माउंटेड आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको ऑडियो एंड कॉलिंग के जो कंट्रोल्स हैं वो दोनों मिल जाते हैं। यहाँ से आप चैनल को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को प्लस माइनस कर सकते हैं, मोड को चेंज कर सकते हैं, अपने जो म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। साथ ही कॉल पिक एंड ड्रॉप के आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल कराए गए हैं। साथ ही बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको हॉर्न का जो प्लेसमेंट की गई है, सुजुकी का लोगो मिलता है। यहाँ पे आपको एक एयर बैग की प्लेसमेंट भी की गई है। हॉर्न आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे हॉर्न रहता है। और यहाँ देखें तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको जो है वो एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं, यानी कि आप इसको जो है टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कुछ इस तरीके से। और अगर बात करते हैं इसके MID की, तो यहाँ पे आपको जो है जो कुछ इस तरीके का MID मिल जाता है। और ये आपको देखें तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, अपना टैकोमीटर दिया गया है, साथ ही बाकी जो सारे इंडिकेशन है सारे कुछ आपको यहीं मिल जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो क्लॉक मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, अपने डिस्टेंस टू MT वगैरह की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जितनी है, रेंज कितनी है वो मिलती है। साथ ही अगर आप इसको चेंज करते हैं तो देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो हैं वो इंडिकेशन जो है ड्राइविंग टाइम, अपना आइडल स्टार्ट स्टॉप कब से ऑन हुआ है वो, और अपना सारा टॉर्क वगैरह के जितने भी इंडिकेशन है वो सारे यहीं पर आपको दिए जाते हैं। तो कुछ तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है। इसके अलावा अगर जो डोर भी ओपन होगा कोई सा, जैसे कि मैंने ये डोर ओपन किया तो इस डोर की इंडिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके सारे इंडिकेशन आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप डैशबोर्ड देखें तो कम्प्लीट आपको ग्रे कलर में यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर बात नोट की तो AC का वेंट जो है अपना जो AC का अपना वेंट है वो यहाँ पे आप देखें तो एक यहाँ पे इस तरीके की डिज़ाइन में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे लगता है। उसके नीचे आते हैं तो वुडन फिनिश, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे भी वुडन फिनिश मिलती है, कुछ इस तरीके की वुडन फिनिश है, काफ़ी अच्छी लगती है। और म्यूज़िक सिस्टम की बात करती हूँ, यहाँ पे आपको जो है मैनुअल म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का म्यूज़िक सिस्टम है, यानी कि जो आपका इंटरफेस है वो आपको टच वाला ही मिलता है, यानी बटने वगैरह जो है आपको टच वाली मिलती है, बाकी है ये एक्चुअल में मैनुअल म्यूज़िक सिस्टम। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको वार्निंग हज़ार्ड लाइट का स्विच मिलता है, कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नीचे आते हैं तो ऑटो AC यहाँ पे आपको दिया गया है, ऑटो AC का आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे आपको जो है ऑक्स और USB का जो है वो पोर्ट भी मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट जो है वो भी अवेलेबल कराया गया है। यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर के लिए स्पेस दिया गया है, साथ ही ट्विन कूल्ड कप होल्डर यहाँ पे आपको मिलते हैं, यानी कि आप इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको कूल टाइप के दिया गया है। गियरवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है, साथ में क्रोम का इंसर्ट मिलता है, और 5-speed यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। इस कार के अंदर ZXI वेरिएंट के अंदर आपको CVT का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो उसका गियर लीवर कुछ अलग तरीके का मिलता है। आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक लीवर के ऊपर क्रोम टिप दी गई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वेरिएंट के अंदर आपको एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, और जो कि स्लाइडिंग टाइप का है जिसको आप स्लाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पे स्लाइडिंग टाइप का आर्म रेस्ट मिलता है, उसके नीचे आपको यूटिलिटी स्पेस भी दिया गया है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको स्पेस भी मिल जाता है। तो ये था कंसोल कंप्लीट, एक बार फिर से आप देख लीजिए। और अब बात करते हैं इसके वाइजर्स की, तो यहाँ पे आपको जो है ड्राइवर साइड सनवाइजर मिलता है विद टिकट होल्डर। आप बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक डोम लैम्प दिया गया है। बात करें डोम लैम्प्स की तो यहाँ पे आपको दो मिलते हैं, एक बीच में भी आपको दिया गया है। आप बात करते हैं इसके IRVM की, तो यहाँ पे आप जो इसका IRVM है वो मैनुअली एडजस्टेबल टाइप का है, जिसको आप डे नाइट टाइप में एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। साथ ही दोस्तों को ड्राइवर साइड भी आपको सनवाइजर दिया गया है, जिसमें आपको वैनिटी मिरर की प्लेसमेंट की गई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ब्लोवर भी मिल जाता है। तो और पीछे से अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको सक्शन के लिए आपको दिया गया है, जो कि PDR AC का जो वेंट है उसका सक्शन आपको यहीं से मिलता है, तो कुछ तरीके का ये रहता है। तो ये सारा फीचर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट की, तो वहाँ ले चलते हैं आपको। तो इंजन कंपार्टमेंट ओपन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे इसको पुल करना है और इंजन कंपार्टमेंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो इस कार के अंदर आपको 1.5 लीटर का K15V पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड फंक्शन के साथ आपको मिलता है, जो कि 77 किलोवाट की पावर और 138 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है। एक बार आप इंजन की प्लेसमेंट देखिए, काफ़ी सारा आपको यहाँ पर जो है स्पेस देखने को मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे आपको डैम्पिंग की गई है, जो कि NVH लेवल को काफ़ी हद तक कम करती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो अर्टिगा का ZXI वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 9,27,000 रुपये के एक शोरूम कॉस्ट पर मिल जाता है। वहीं ये ऑन रोड कॉस्ट डेली आपको 10,67,000 रुपये के करीब मिलता है। दोस्तों ये सारे फीचर आपको अर्टिगा के ZXI वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आई होपली मैंने सारे ही फीचर्स आपको इस वेरिएंट के दिखा दिए होंगे। कोई फीचर अगर मिसिंग हो गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेल से रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वायरी है, अगर आप गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल्स कनॉट प्लेस, और इस शोरूम की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो जल्द लौटेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।